In the last class, we have done differentiation of inverse trigonometric function, and today, most important, we will discuss about differentiation of logarithmic and exponential function. Most important है, आगे भी आपके पास competitive हर जगह इसका base use होता है. Clear है? करते हैं differentiation of logarithmic and exponential function. Before doing this, सबसे पहले हम log के basic formulas को देखें. Log है क्या चीज? ठीक है? If a raised to power x equal n, if a raised to power x equal n, then log n to the base a equal x, log n to the base a equal x. अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी base given नहीं है, तो अगर आपके पास direct सिर्फ n लिखा है, तो आप इसको लिखेंगे log to the base a n. This is called नेचुरल लॉगरिथम. दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम. अगर बेस ए है और कुछ भी बेस गिवन नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, नाउ इसके कुछ बेसिक करते हैं हम. लॉग के ऊपर हमने पहले भी कई बार यूज किया हुआ है. लॉग टू द बेस ए, अगर आपके पास एम इंटू एन है, तो ये क्या रहेगा? लॉग टू द बेस ए एम प्लस लॉग टू द बेस ए एन. लॉग में अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐड हो जाए. अगर आपके पास लॉग टू द बेस ए एम बाई एन है, तो इसको वी कैन राइट लॉग टू द बेस ए एम माइनस लॉग टू द बेस ए एन लाइक दिस. एक और है हमारे पास लॉग टू द बेस ए एम रेज टू पावर एन. जो पावर है, ये सब बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे. लॉग टू द बेस ए एम रेज टू पावर एन है, तो एन लॉग टू द बेस एम आ जाएगा. ठीक है, एक और है बेस चेंजिंग फॉर्मूला है. लॉग टू द बेस ए बी है, अगर इनटू में लॉग टू द बेस बी ए है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये बेस चेंजिंग, दैट इक्वल टू वन. मींस अगर आपके पास लॉग फाइव एक्स है, तो आप इसको वन बाय लॉग एक्स फाइव लिख सकते हैं. क्लियर? अगर आपके पास log to the base 5x है, तो इसको भी कैन इट 1 by log x to the log 5 to the base x. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको रख कर देते हैं फर्स्ट वाले को. हम log a a, log बेस a और a है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या रहती है? 0. इसकी वैल्यू जीरो नहीं था, की वैल्यू रहती है 1. और अगर आपके पास log 1 है, तो उसकी वैल्यू रहेगी आपके पास 0. क्लियर? अब हमारे पास ये सबसे पहली बात, अभी हमने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया है. अभी जस्ट log के हमने कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज किए हैं कि log के अंदर रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं. log टू द बेस ए मल्टीप्लाई है, तो एडिशन में जाएगा, डिवीजन में है तो माइनस में जाएगा, पावर आगे आ जाती है. दिस इज योर बेस चेंजिंग फॉर्मूला. बेस सेम है, log a टू द बेस ए इक्वल टू किसके आ जाएगा? 1 के. और log 1 क्या होता है हमारे पास? 0. ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं हम. और कुछ हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. क्या है? जैसे e रेस टू पावर x है, दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. a रेस टू पावर x है, 5 रेस टू पावर x है, ऑल दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब log टू द बेस log e क्या रहता है हमारे पास? 1. अगर आपके पास ऐसे गिवन है log e रेज टू पावर x, तो आपके पास डायरेक्ट x आ जाएगा, log e कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और डायरेक्ट क्या आ जाएगा? x ही ध्यान रखना आपको. ठीक है, फॉर x ग्रेटर 0. ये तो अभी तक हमने बेसिक किया, अब हम डेरिवेटिव करते हैं. स्टार्ट बेसिक भी हमने पहले किया हुआ है प्लस टू में, अब डेरिवेटिव देखो. डेरिवेटिव कैसे करना है? अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास log a x, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? इसका डेरिवेटिव रहेगा 1 बाय x log a e. log टू द बेस ए x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1 बाय x log a e. जैसे अगर आपके पास log टू द बेस a, अगर आपके पास कुछ भी लगा लो एक्स स्क्वायर है, तो क्या रहेगा आपके पास? 1 बाय एक्स स्क्वायर
log टू द बेस ही x है, अगर डायरेक्ट आपके पास log x है और इसका डेरिवेटिव आपने लेना है तो वो क्या रहेगा, सिर्फ 1 by x log, क्योंकि कुछ नहीं है, मीन e है, तो यहाँ पे log टू द बेस ही into e आता, वो दैट इज 1। तो आपने डायरेक्ट ही याद रखना log x का डेरिवेटिव क्या रहेगा आपके पास, 1 by x। अब है आपके पास डेरिवेटिव अगर हमने लेना है e raise to power x का, e raise to power x का डेरिवेटिव क्या है, e raise to power x into में x का 1। अब लास्ट है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ a raise to power x, a raise to power x log a, a raise to power x log a। अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ ही क्वेश्चन तय करेंगे। ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक लास्ट एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स, डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स, इसका रहेगा एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स ग्रेटर जीरो, एक्स बाय मॉड एक्स रहेगा डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे होगा, इसका प्रूफ अगर हमें करने को मिले कि प्रूफ फाइंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स तो क्या रहेगा, आप वाई को मॉड एक्स ले लें, मॉड एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर रहेगी इसकी वैल्यू, आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, रूट एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा, 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का कितना लेगा 2x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का ये लेगा 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का कितना लेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स, सो वी कैन राइट इट एज x बाय मॉड एक्स। सो मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा आपके पास, x बाय मॉड एक्स। क्लियर है, अब हमने कितने फॉर्मूलाज कर लिए, log x, log टू द बेस ax, e रेस टू पावर x, a रेस टू पावर x और मॉड एक्स, हम ये सारे फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और आज क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, टुडे वी विल डू सो मेनी क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। आपके पास सबसे पहले है e रेस टू पावर 2 log tan 5x, tan 5x और ये क्या आपके पास अंडर रूट ई रेस टू पर अंडर रूट एक्स के, वन बाय वन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसकी बात लॉग नजर आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करें, जो पावर आगे मल्टीप्लाई होगी हम ऊपर जा सकती है, तो आप इसको वी कैन राइट एज ई रेस टू पर लॉग टेन स्क्वेयर 5x लिख सकते हैं इसे। और अभी हमने किया था ई और लॉग आपस में क्या हो जाती है कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया tan स्क्वायर 5x। अभी ये सब काम हमारा y के इक्वल चल रहा है, सब काम y के इक्वल है। अब y का हमने लेना है डेरिवेटिव, tan स्क्वायर 5x का डेरिवेटिव इज 2 tan 5x, पहले पावर का लिया, tan का डेरिवेटिव इज secant स्क्वायर 5x इंटू में 5x का डेरिवेटिव इज 5। क्लियर, तो सबसे पहले काम हमने क्या किया, पावर ऊपर आई tan स्क्वायर पावर आगे 2 tan 5x इंटू में tan x का क्या रहेगा secant स्क्वायर 5x इंटू में एंगल 5x का क्या रहेगा 5। क्लियर, आपने स्टेट कर देखो इस क्वेश्चन में e भी यूज हो गया, log भी यूज हो गया और trigonometric tan x भी यूज हो गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वी विल डू, आपने सारे क्वेश्चन साथ साथ करने और एलिमेंट्स की बुक आपके पास है, आपने सारे क्वेश्चन साथ साथ करने हैं, एनसीईआरटी के एलिमेंट्स के आरडी से आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे करने के लिए, तो हमारा ईच एंड एवरी कॉर्नर हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं अंडर रूट ई रेस टू पावर अंडर रूट एक्स, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, डीवाई बाई डी एक्स क्या रहेगा आपके पास, सबसे पहले इस रूट को देखते हैं 1 बाय 2 अंडर रूट ई रेस टू पावर रूट एक्स इंटू में डेरिवेटिव जो रूट के अंदर टर्म है ई रेस टू पावर रूट एक्स। ठीक है, 1 बाय 2 अंडर रूट ई रेस टू पावर रूट एक्स इंटू में ई रेस टू पावर एक्स इज रेस टू पावर एक्स इंटू में डेरिवेटिव किसका एक्स का, एक्स इज हियर अंडर रूट एक्स।
Now e raised to power root x upon में 2 e raised to power root x का डेरिवेटिव इज 1 by 2 under root x into में x का डेरिवेटिव 1 क्लियर। तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा e raised to power root x के कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं हम cos डन। नेक्स्ट करते हैं cos log x plus e raised to power x cos log x plus e raised to power x। now cos theta, cos theta सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है cos theta, तो आपके पास dy by dx क्या आ गया, आपके पास cos theta का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा इंटू में डेरिवेटिव हो थीटा log x plus e raised to power x, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं इसको, माइनस साइन log x plus e raised to power x इंटू में डेरिवेटिव log x plus e, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x और e raised to power x का डेरिवेटिव इज e raised to power x। तो आपके पास cos theta का डेरिवेटिव दिया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज log, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, log x 3। अब ये ना तो कॉन्स्टेंट है ना x के टर्म्स में, तो सबसे पहले हम इसको x के टर्म्स में लिए, इसको वी कैन राइट 1 बाय log 3 हियर x हियर लाइक दिस, ठीक है ना। अब आपके पास हो गया, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, कैसे लेंगे, y इक्वल log 3 x होल रेज टू पावर माइनस log 3x होल रेज टू पावर माइनस डेरिवेटिव लेते हैं dy बाय dx क्या रहेगा, पावर आगे आएगी, ऊपर पावर क्या हो जाएगी एक टर्म इनटू में डेरिवेटिव किसका log 3x है ना, और log ax का डेरिवेटिव हमने अभी किया है, इसको वी कैन राइट 1 बाय log 3x होल स्क्वायर इनटू log 3x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 बाय x log a e 1 बाय x log a e लाइक दिस। क्लियर है, log का सबसे पहला टर्म हमने क्या किया, बेस चेंजिंग फॉर्मूला से बेस चेंज किया तो रिवर्स में आ गया, रेसिप्रोकल हो गया उसका 1 बाय log 3x। नाउ दिस वी कैन राइट एज पावर माइनस 1, पहले पावर फॉर्मूला, पावर आ गया है ऊपर पावर एक टर्म हो गई इनटू में डेरिवेटिव किसका ब्रैकेट का ना log 3x, log 3x इज 1 बाय x log टू द बेस a इनटू e लाइक दिस। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज log का ही एक दो क्वेश्चन और हम log का ही कर लेते हैं। log 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 x अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx लेते हैं, सिंपल है, log let this be x, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x दिस इज योर x ना इनटू में डेरिवेटिव किसका x का, ऐसे किया हमने हमेशा log x डेरिवेटिव इज 1 by x इनटू में डेरिवेटिव x। क्लियर, नाउ हियर 1 by log log x log x, now again we have log x derivative is 1 by log x into my derivative log x, कुछ भी नहीं है बेस, तो क्या लेना हमने बेस e लेना, ठीक है 1 by log log x into 1 by log x और log x का derivative is 1 by x, तो ये आपके पास आंसर आ। क्लियर, अभी log 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 हमने कुछ नहीं करना है, हमें पता है log के ब्रैकेट में जो भी हो उसे हमने x सेलेक्ट करके इनटू में x का डेरिवेटिव लेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे, u लेट करके चेन रूल से करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करने की डायरेक्ट ही सीखना है, आपकी बुक में u मेथड यूज करेगा, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम,
नेक्स्ट है हमारे पास इफ y इक्वल log 10 pi by 4 plus x by 2 then y equal log 10 pi by 4 plus x by 2 then prove that dy by dx equal minus sine minus secant x equal 0 then dy by dx minus secant x equal 0. अब करते हैं इसको y equal to log 10 तो डेरिवेटिव हम डायरेक्ट ही करते हैं यहां से आ जाइए dy by dx log x is 1 by x इंटू में x का डेरिवेटिव 10 का क्या रहेगा secant square pi by 4 plus x by 2 इंटू में 1 by 2 pi by 4 का 0 x by 2 का 1 by 2 तो इसको चेंज करते हैं हम दिस इज 1 अपॉन 10 का साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स न्यूमिनेटर में चला जाएगा और सेकेंड स्क्वेयर का 1 बाय कॉस स्क्वेयर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और ये इनको हम लिख लेते हैं यहाँ ये आपस में हो गया कैंसर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट साइन 2 थीटा इसका डबल कर दें 2 इंटू पाई बाय 4 कितना आ गया पाई बाय 2 इंटू एक्स बाय 2 कितना आ गया एक्स साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा और कॉस थीटा इज सेकेंड एक्स तो वी हैव डी वाई बाय डी एक्स माइनस सेकेंड एक्स इक्वल 0 लाइक तो आपके पास ये आ गया dy by dx minus secant x equal 0. एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी के अंदर ये क्वेश्चन क्लियर है सबसे पहले y equal to log 10 pi by 4 plus एक्सरसाइज के क्वेश्चन से एक तो आपको करा रहे हैं तो dy by dx minus secant x 0 है आपने इसको प्रूफ करना है log 10 है तो 1 by 10 into में 10 का secant square into में x by 2 का 1 by 2 अब secant को भी कह रहे हैं 1 by cos square 10 को भी कह रहे हैं sin by cos कैंसिल हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा साइन 90 प्लस एक्स इज कॉस एक्स और कॉस 1 बाय कॉस इज सेकेंड सेकेंड को हमने इधर शिफ्ट कर क्लियर डन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम प्लस 1 बाय 2 एलसीएम ले लें तो एक्स
स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, एक्स एक्स कैंसिल, इधर आ गया माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से कितना आ गया टू ए, टू से टू कैंसिल, कितना आ गया ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ टेक एलसीएम, एक्स की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर, ए कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसमें नेगेटिव साइन आ गया ना अगर हमने माइनस ए कॉमन लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाइक दिस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस टू ए स्क्वायर और माइनस ए कितना आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस टू ए क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर माइनस ए रेज टू पावर फोर। तो आपका यही हमने प्रूव करना था डिवाइड बाय डी।